हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले एसियस की तरफ से आने वाला नया लैपटॉप जो है एसियस वीवो बुक 14। और गाइस, उसका मॉडल नंबर है K14, जो बेसिकली एक 14 इंच का कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, जिसमें आपको देखने मिलता है कोर i5 10th generation, प्लस इसमें आपको देखने मिलता है 512 GB का SSD। मतलब परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बढ़िया ये लैपटॉप है। और आजकल कोविड सिचुएशन में बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट घर से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन ये लैपटॉप है। और गाइस, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा ये बॉक्स है और काफ़ी लाइट वेट ये लैपटॉप है। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइज, ये रहा उसका बॉक्स। यहाँ पे आगे की तरफ आपको एसियस वीवो बुक की ब्रांडिंग देखने मिलती है। और गाइज, बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका मॉडल नंबर जो है K413F। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन देखने मिलती है 14 इंच की फुल HD पैनल, और कुछ स्पेक्स आपको देखने मिलते हैं जैसे कि कोर i5 10th generation 512 की SSD आपको देखने मिलती है। और गाइस, कई सारे फीचर्स है जैसे कि विंडोज 1064 bit इसके साथ प्री रजिस्टर्ड आता है। और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसकी MRP और वारंटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे प्राइसिंग है 72,990 rupees, बट गाइस ये आपको 57,990 rupees की प्राइस में मिल जाएगा। तो अभी हम इसे ओपन करते हैं। सो गाइस, जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रेजेंटेशन है, बॉक्स काफ़ी बढ़िया तरीके से पैक किया, और यहाँ पे लिखा है इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। सो यही उनका एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है हर टाइम। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है एसियस वीवो बुक। काफ़ी छोटा है, काफ़ी लाइट वेट मुझे लग रहा है, और हम इसे रिमूव करते हैं। ओके, सो गाइस, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन डार्क ग्रे कलर देखने मिलता है, बेसिकली ये ब्लैक कलर ही है। और इसे फ़िलहाल हम रखते हैं साइड में। और इसके साथ ही यहाँ पे अंदर की तरफ आपको देखने मिलते हैं कुछ पेपर वर्क्स, सो इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा एनवेलप देखने मिलता है। सो एनवेलप के अंदर यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट स्टिकर्स देखने मिलते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से जो स्टिकर्स है अलग अलग चीज़ों के, वो आपको देखने मिलते हैं, जिन्हें आप इसमें यूज़ कर सकते हो। सो इसे भी हम रखते हैं साइड में। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट में देखने मिलती है उसकी कॉर्ड, जिसकी हेल्प से आप इसे चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे जो दूसरा कंपार्टमेंट है, इसमें आपको देखने मिलता है चार्जर। और गाइस, ये जो चार्जर है, ये बेसिकली 45 वॉट्स का चार्जर है। और गाइस, उसके अलावा यहाँ पे बॉक्स के अंदर कुछ भी देखने नहीं मिलता है। काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने इस लैपटॉप को पैक किया था यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे वो लैपटॉप इंडी ब्लैक कलर यहाँ पे आपको देखने मिलता है, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग है। यहाँ पे एसियस वीवो बुक की ब्रांडिंग दी है, वो सिल्वर में यहाँ पे दी है, काफ़ी अच्छी फिनिश है यहाँ पे। और जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं यहाँ पे, ओके गाइस, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने मिलती है। मतलब एंटर बटन को यहाँ पे उन्होंने फ्लोरोसेंट कलर दिया है। यहाँ पे कोर i5 10th gen की बैजिंग देखने मिलती है। ऑफिस होम एंड 2019, मतलब ऑफिस जो है कंप्लीट पैकेज 2019 एडिशन इसमें प्री लोडेड है। यहाँ पे आपको देखने मिलता है लाइट वेट नैनो एज डिस्प्ले, मतलब जो इसका डिस्प्ले के एजेस है वो काफ़ी स्लिम है। प्लस USB टाइप सी पोर्ट आपको देखने मिलता है, और साउंड बाय हरमन कार्डो आपको देखने मिलता है। सो गाइस, इसका ओवरव्यू हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसे करते हैं पावर ऑन। सो गाइस, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इसमें सेटअप कर दी है। और गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सुपर्ब है, काफ़ी प्रीमियम है लैपटॉप लगता है। और गाइस, इसका कलर है इंडी ब्लैक, और आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी लाइट वेट है, मतलब 1.4 kg का है, और मतलब लगता ही नहीं इतना लाइट वेट लैपटॉप यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले, ब्लैक लिटेड पैनल आपको देखने मिलता है। और गाइस, काफ़ी इमर्सिव कलर्स है इसके, कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसका काफ़ी बढ़िया है। और अगर व्यूइंग एंगल्स की बात करें तो 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल यहाँ पे आपको देखने मिलता है। बेसिकली कोई भी एंगल से देखो, आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका डिस्प्ले विजिबल हो जाता है। और गाइस, अगर हम बात करेंगे इसके कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस किया है और काफ़ी टैक्टाइल लगता है यूज़ करने में। और गाइस, ये बेसिकली एक बैक लिटेड कीबोर्ड है, सो आपको अगर रात में काम कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बैक लिट कीबोर्ड आपको इसके अंदर देखने मिलता है।
और गाइज उसके साथ ही अगर टच पैड की भी बात करें तो काफ़ी डिसेंट साइज़ का टच पैड यहाँ पे आपको देखने मिलता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और उसके साथ ही आपको उसमें देखने मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, और फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही आप टच करते हो ये जो विंडोज़ है अनलॉक हो जाता है। सो गाइज ये काफ़ी बढ़िया सिक्योरिटी ऑप्शन यहाँ पे ASUS ने प्रोवाइड किया है। और गाइज अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें, गाइज इसमें आपको टाइप सी पोर्ट देखने मिलता है, प्लस USB 3.1 का भी आपको पोर्ट देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आप फास्टर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। और इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने मिलता है। हाँ, आपने सही सुना, माइक्रो SD कार्ड का, एक फुल साइज SD कार्ड का स्लॉट इसमें नहीं देखने मिलता। अगर उन्होंने ऐड किया होता तो काफ़ी बेटर होता, बट कोई नहीं, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट उन्होंने इसमें दिया है, जो काफ़ी कन्वीनियंट आपको पड़ता है आपके डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और गाइस फिर हम बात करेंगे इसके वेबकैम की, तो यहाँ पे आगे की तरफ आपको 720p का मतलब HD वेबकैम देखने मिलता है। और गाइस काफ़ी क्लियर इसका वेबकैम है। आगे की तरफ आपको माइक्रोफोन्स भी देखने मिलते हैं, एक LED लाइट इंडिकेटर देखने मिलते हैं जैसे ही आपका वेबकैम टर्न ऑन होता है। और गाइस बात करेंगे इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है इंटेल का कोर i5 10th जनरेशन, जिसे बेसिकली आप ओवरक्लॉक कर सकते हो 4.2 GHz तक। और बात करेंगे इसके रैम की, तो इसमें आपको देखने मिलता है 8GB का DDR4 रैम। मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो गाइस ये कंप्लीट एक बीस्ट है अगर आप इसे ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके SSD की, तो इसमें आपको देखने मिलता है NVMe Express की M.2 SSD, जो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। मतलब इसका रीड एंड राइट स्पीड आपको 1 GBPS प्लस ही देखने मिलने वाला है। सो गाइस SSD प्रोसेसर और रैम के मामले में काफ़ी बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ASUS ने प्रोवाइड किया है। और गाइस फिर हम बढ़ते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जो है इसका स्पीकर। सो यहाँ पे आपको हर्मन एंड कार्डन का स्पीकर्स देखने मिलता है, हर्मन एंड कार्डन ऑडियो यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको दो स्पीकर्स देखने मिलते हैं। मतलब फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स, जहाँ पे आपको एक 3D सराउंड साउंड का इफेक्ट देखने मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने प्लेस किया है। और ट्रस्ट में इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे बाकी लैपटॉप्स के कंपेयर में काफ़ी बढ़िया लगा। और गाइस सैंपल के लिए यहाँ पे मैं प्ले करूँगा एक यूट्यूब वीडियो, जिसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी एग्जैक्ट कैसी है। और गाइस वीडियो पे तो साउंड क्वालिटी इतना नहीं बता सकते, अगर आप हेडफोन पहन रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत पता चलेगी, बट ट्रस्ट में जो हार्मन एंड कार्डन का ऑडियो है, काफ़ी बढ़िया साउंड आउटपुट यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सो गाइज ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ये लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से और स्पेक्स के भी हिसाब से। और गाइज इसमें आपको कोर i3 का भी वेरिएंट देखने मिलता है। सो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है इस सीरीज़ की, वो है 39,990 रुपीज़। और गाइज ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है ये आपको 56,990 मतलब 57,000 की प्राइस में अवेलेबल मिल जाएगा। और गाइज ऑफिशियल यूज़ के लिए या फिर एक स्टडी पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया ये लैपटॉप है। और गाइज काफ़ी लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, इजीली कहाँ पे भी ले जा सकते हो, काफ़ी प्रोफेशनल लुक यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सो गाइस इसका ये एक बेसिकली ओवरव्यू वीडियो है, इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस। और अगर किसी को इसका डिटेल रिव्यू वीडियो चाहिए, मतलब क्या आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, क्या आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम चाहे तो कवर भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एग्जैक्टली आपको कैसे इसका वीडियो चाहिए, तो डिटेल रिव्यू वीडियो इसका जल्दी ही आ जाएगा। और गाइस मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मतलब व्यूज़ तो दे रहे, कमेंट कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। तो जल्दी से जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो और ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। एंड गाइज दैट्स इट, यही था अनबॉक्सिंग ये ASUS के Vivo Book 14 लैपटॉप का। गाइज अगर आपने मुझे अभी तक Instagram पे, Facebook पे या फिर Twitter पे फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कीजिए। एज यूजुअल मैंने पहले ही बताया, इस वीडियो को भी लाइक करके शेयर कीजिए। और गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।